नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। दग्गा मार निजी बसों के संचालन को रोकने के लिए क्षेत्रीय मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र के बाद उन्हें दग्गा मार बसों के संचालकों द्वारा धमकी मिलना शुरू हो गई है। परिवहन विभाग के द्वारा पत्र पाने के बाद बसों के संचालन पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया गया, लेकिन दग्गा मार निजी डबल डेकर बसों का अभी तक पूर्ण रूप से संचालन बंद नहीं हुआ है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश हरदोई क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री जितेंद्र बहादुर ने बताया कि राजनीतिक पृष्ठभूमि व अन्य लोगों से धमकी मिल रही है। क्षेत्रीय मंत्री जितेंद्र बहादुर ने बताया कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना उनके साथ होती है तो इसके लिए एआरटीओ प्रवर्तन प्रशासन पूर्ण रूप से होंगे जिम्मेदार। क्षेत्रीय मंत्री जितेंद्र बहादुर को धमकियां मिलने से रोडवेज कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में क्षेत्र प्रबंधक को रोडवेज एन के त्रिवेदी का कहना है कि दग्गा मार वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और यह लगातार चलाया जाएगा। इस संबंध में शासन को भी पत्र लिखा गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और हमारे जो क्षेत्र के मुखिया हैं, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हरदोई, इनको भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ। जब मेरे द्वारा पूर्व में एक पत्र संभागीय परिवहन अधिकारी को लिखा गया, उससे पहले उप संभागीय परिवहन अधिकारी को लिखा गया, आपके चैनल का भी बहुत सहयोग रहा, इस कारण कुछ शक्ति हमारे उप संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय, जो कि कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, उनकी कुछ हद तक नींद खुली है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात, जब से मेरे द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को, ट्रांसपोर्ट का कमिश्नर को पत्राचार किया गया, तब से मोटर मालिकों का मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है, कोई दूरभाष से कह रहा है, कोई राजनीतिक व्यक्ति भी टेलीफोन करके कहता है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी जान को भी खतरा है। अगर मेरी जान को कुछ होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हरदोई की होगी, ये मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कारण उसमें यह है, मेरे पत्राचार करने के बाद भी और मुख्यालय के पत्र देने के बाद भी हमारे हरदोई के जो एआरटीओ महोदय हैं, इनके द्वारा कोई भी सामूहिक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हरदोई के द्वारा चेकिंग नहीं की गई। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने अपने कार्यालय से पत्र इनको भी प्रेषित किया है और अनुरोध किया है वो 5/8/2021 को, लेकिन 9 तारीख तक की सामूहिक चेकिंग थी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय ने कोई भी गाड़ी जो डबल डेकर दग्गा मार आज हरदोई क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में चल रही है, इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने पुनः अनुरोध इनसे किया तो कल ये मात्र एक खाना पूर्ति करके करने के लिए जिस गाड़ी का इनको संभवतः पैसा नहीं मिल रहा है, उस गाड़ी को केवल एक पकड़ा है। अगर ये हम लोगों के संज्ञान में लाते तो मैंने कई बार इनको पूरी गाड़ी व टाइमिंग विद नंबर पूरे हरदोई क्षेत्र के इनके जो कार्यालय में रखे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जब हमारे सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय निकलते हैं तो इनके कार्यालय से मोटर मालिकों को पहले ही टेलीफोन से सूचना दे दी जाती है, या तो इस समय ये निकलेंगे जब इनको पूरा ज्ञात है कि हमारी गाड़ियां ये जो डबल डेकर डग्गा मार हैं ये निकल जाएंगे, उसके बाद ही ये हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से संपर्क करते हैं और करने के बाद एक गाड़ी या दो गाड़ी या टेम्पो ऑटो रिक्शा या छोटी जो भी वाहन है जिनसे परिवहन निगम को कोई नुकसान नहीं हो रहा है उनको ये पकड़ के इप्सरी कर लें। इसलिए विशेष रूप से हमारे एमडी महोदय के विशेष निर्देश है कि ग्राइंड चेकिंग लगातार की जाए और तत्पूरक कराई जाए, क्वालिटी वाली की जाए, जहाँ जहाँ भी डग्गेमारी का संचालन हो रहा उसकी सही जानकारी सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराते हुए सूचित कार्रवाई सूचित की जाए। यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जो रोडवेज बस स्टैंड के पड़ोस में सर डग्गा मार कुछ बसें लगती हैं, इसको लेकर सर क्या विशेष अभियान चलाया? इसके बारे में प्रशासन से भी अनुरोध किया गया है, हमारे एआरएम साहब भी लगातार संपर्क में और इसके लिए कार्रवाई के लिए अनुरोध लगातार किया जा रहा है। कुछ कार्रवाई हुई है, आगे कार्रवाई होगी। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।